गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों के 28 आरोपियों को एक स्थानीय अदालत ने आज सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों में आरोपी सभी 28 लोगों को यहां की कलोल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बरी किए गए लोगों में कलोल नागरिक सहकारी बैंक के चेयरमैन गोविंद पटेल भी शामिल हैं। इन लोगों पर आगजनी, हिंसा और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। वहीं 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती ट्रेन का कोच जलाए जाने के बाद गांधीनगर के कलोल स्थित पलियाड़ गांव में हिंसा फैल गई थी। वहीं करीब 250 लोगों की भीड़ ने अल्पसंख्यकों के गांवों में आगजनी की और हिंसा को अंजाम दिया था। इस भीड़ पर एक दरगाह को भी नुकसान पहुंचाने का आरोप था। शुक्रवार को कलोल कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बीडी पटेल ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। बता दें कि सुनवाई के दौरान सभी गवाहों ने आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया। गवाहों ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों को लेकर उनके मन में कोई घृणा की भावना नहीं है और उनका पहले ही आरोपियों के साथ समझौता हो गया है। करीब 250 लोगों की भीड़ पर हिंसा और आगजनी का आरोप था। आरोप ये भी था कि इन्होंने एक स्थानीय ईदगाह को नुकसान पहुंचाया है। कैमरामैन शशि के साथ दिनेश गौतम, JK247 न्यूज, दिल्ली। यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे आसाराम को लगता है राहत की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वे बार बार अपनी जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट बार बार ये याचिका खारिज कर देता है। बलात्कार और यौन शोषण जैसे संगीन मामलों में फंसे आसाराम को रेप के दूसरे मामले में भी जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। आसाराम के खिलाफ दूसरा रेप केस गुजरात में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि अभी 2 दिन पहले ही हमने आसाराम के एक और मामले में जमानत अर्जी खारिज की थी, तो अब कैसे जमानत दे सकते हैं? अगर जमानत दे दी जाए तो वो भी जेल से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि दूसरे मामले में वो जेल में ही बंद रहेंगे। ताजा मामला उनके दूसरे रेप केस गुजरात का है, जिसके लिए उन्होंने जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी है कि 2 दिन पहले आपके पहले केस की याचिका खारिज की गई थी, तो ये याचिका कैसे मंजूर की जा सकती है? आसाराम ने अपनी याचिका में ये मांग की थी कि राजस्थान और गुजरात के दोनों मामलों में एक साथ ट्रायल चलाया जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पहले राजस्थान में सुनवाई पूरी होगी, इसके बाद गुजरात के मामले में ट्रायल शुरू किया जाएगा। वही सोमवार को आसाराम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को दोहरा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश JS खेर की बेंच ने आसाराम पर गलत मेडिकल रिपोर्ट देने के लिए FIR दर्ज करने का आदेश तो दिया, साथ ही उन पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अब देखना ये होगा कि आध्यात्मिक गुरु कहे जाने वाले आसाराम बापू को जेल की सलाखों के पीछे कब तक रहना पड़ता है, क्योंकि राहत की तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं पूनम पनौरिया, JK247 न्यूज, दिल्ली। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने भारत दौरे पर जा रही ऑस्ट्रेलियाई टीम को चेताया है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत को हराना हो तो स्पिन खेलना सीख ले, वरना भारत ना जाए। भारत का तो टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज से पिटने के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन काफी सहमे हुए हैं। इंडियन स्पिन का खौफ उन पर इस कदर हावी कि उन्होंने भारत दौरे पर निकलने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को सावधान किया है। केपी ने कंगारू से 2-2 कहा, जल्दी से स्पिन खेलना सीख लो वरना भारत ना जाओ। गौरतलब कि ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरे का पहला टेस्ट 23 फरवरी से खेला जाना है। 2012 में भारत की धरती पर इंग्लैंड को सीरीज जिता चुके पीटरसन ने कहा, अगर आप भारत दौरे पर जाते हो तो स्पिन का अभ्यास करना ही होगा। मैं ऑस्ट्रेलिया में इसका अभ्यास कर सकता हूँ, आपको स्पिन की प्रैक्टिस के लिए स्पिन पिचों की जरूरत नहीं है। केविन पीटरसन ने ये चेतावनी भारत से मिली तीनों फॉर्मेट में हार के बाद दी है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पहला टेस्ट 23 फरवरी से खेला जाएगा। कैमरामैन विजय के साथ मैं कार्तिक नायडू, JK247 न्यूज़, दिल्ली।